i reached the taj hotel on the night of 26 11 a little after 11 pm the siege had been going on for nearly an hour over the next 72 hours i was reporting about a few hundred yards from here on the siege of the taj hotel that particular night of 26 11 i was walking up and down this entire stretch that you see the front of the old building of the taj and looking up and seeing hundreds of people banging on those glass panes

तो ये सुनने के बाद मैं सोचा कि फायरिंग है तो जाना है तो मैं मेरा रिपोर्टर था एक आदित्य करके उनको मैं लिया और मैं बोला चलो भाई फायरिंग हो गया तो चलो जाके देखते हैं घर जाने का टाइम है लेकिन जाके जाते जाते देखते हैं तो जैसे मैं निकला तो यहाँ पे पुलिस मुख्यालय है वहाँ पे पास आया तो मुझे उससे पहले मैं जो मेरा गाड़ी पे बैठ के निकला तो मुझे ट्राइडन में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी लेकिन वहाँ पे हर टाइम में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे पटाखा वगैरह लगाया जाता है तो मैं समझा वो कुछ होगा तो मैं निकल आया और जैसे मैं ये पुलिस मुख्यालय के पास पहुंचा तो मुझे लगा कि ये पुलिस मुख्यालय के पास पब्लिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा गोलियों की आवाज़ आने लगी तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है तो मैंने मेरा सीनियर्स बॉस भी है उनको फ़ोन किया भाई कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है गोलियों की आवाज़ सुनाई है आ जाओ आप तो जैसे मैं उस तरफ जाने का कोशिश कर रहा था तो मुझे पब्लिक बोल रही थी मत जाओ गोलियों की आवाज़ आ रही झगड़ा हो रहा है तो मैं वहाँ से मेरा गाड़ी रिपोर्टर को उतार के मेरा गाड़ी टर्न करके जो पीछे बाजू से जो बनी एंट्री बड़ा है वो जो गेट वे ऑफ इंडिया का वे है वहाँ पे आया खड़ा हो गया और देखा तो गोलियों की आवाज़ और नज़दीक आने लगी और पब्लिक भाग रही थी मुझे बोल रही थी मत जाओ उस तरफ कोई दो फिरंगी में झगड़ा हो रहा है तो वैसे ही मैं गले में मेरा कैमरा था मैं रेडियो के तैयार था तो एक एक दस मिनट के बाद में मुझे एक आदमी वहाँ से गन लेके ताज की अंदर पीछे वाले उसे गया उतना मैंने देखा थोड़ा सा अंधेरा था बराबर आइडेंटिफाई नहीं कर सका लेकिन वो जैसा ही घुस गया तो ये ताज में आवाज़ सुनाई लग सुनने लगी कि गोलियों की आवाज़ आने लगी उसके बाद में मैं अंदर जाने के लिए मुझे कोई चारा नहीं था कि पब्लिक भाग रही थी जाने दे रहे थे तो एक एस कार आ गया मेरे पीछे खड़े हो गई स्पीड से आई खड़ी हो गई मैं देखा तो दो पुलिस ऑफिसर उतर गए और उतरते ही अपना उसने रिवॉल्वर निकाला और वो दौड़ने लगे जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल रहा वो कौन सा एक रेस्टोरेंट है लग, लग के वही दरवाजे को तो उस रेस्टोरेंट में पूरा जो ताज का इंटीरियर होटल का था वो सब तोड़ फोड़ के जा, जा, जा टेबल पे डिशेस बिशेज थे उसके अंदर खून भी पड़ा था खाना भी पड़ा था और ग्लासेस विशेष टूट के सब चक्काचुर हो गया था उससे हम गुजरते गुजरते फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर गया तो मेरे को दो बॉडियाँ दिखाई दिखाई पड़ी दो बॉडियाँ दिखा और उसके पहले मुझे पब्लिक भी जो अंदर का जो रहने को आया था वो चिल्ला रहा था कि क्या हो रहा है भाई क्या हो तो दो चार जन को मैंने बताया भाई अंदर जाओ कड़ी लगा के चुपचाप बैठो ऐसे ऐसा हो रहा है बाहर मत आओ जब तक पुलिस नहीं आता तब तक ये डर नहीं लगा आपको डर नहीं लगा मुझे मुझे डर डर देखिए जो प्रोफेशन है ना मुझे डर ऐसा लगा नहीं डर तो हर आदमी को रहता है लेकिन डर के आगे काम भी रहता है वो भी करना चाहिए कितनी देर थे यहाँ उस रात आप मुझे कम से कम तीन घंटे में अंदर था वसंत प्रभु थ्री आवर्स ऑन द नाइट ऑफ ट्वेंटी सीज कंटिन्यूड फॉर सेवेंटी आयोनिकली इन वीक ऑफ ट्वेंटी Pakistan has released what is believed to be or rather who is believed to be the main mastermind of 2611 Hafiz Saeed clearly showing that there is no intent with the perpetrators being let off